हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लेके रिच ब्लॉगर में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। और आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 3 बजे से। वैसे ब्लॉग शुरू करने का मतलब नहीं था अभी और मन भी नहीं था, लेकिन मुझे ना आप लोगों से बहुत है ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। मुझे एक हेल्प चाहिए आप लोगों से, मतलब इतनी ज़्यादा हेल्प चाहिए ना क्या बोल सकती हूँ, और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना क्या बता सकती हूँ। और सुबह से तो मैंने ब्लॉग शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि कॉलेज भी है, तो कॉलेज भी जाना होता है। वैसे कॉलेज जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, और आजकल हमारा कैंप वगैरह भी चल रहा है थोड़ा, तो मतलब जाना तो ज़रूरी होता है, इसलिए जाना पड़ रहा है कॉलेज भी। इसलिए मैंने सुबह ब्लॉग शुरू नहीं किया। और मतलब मेरे साथ ना, मैंने सोचा नहीं था यार ऐसा होगा। ये भगवान कैसे बताऊँ आप लोगों से, प्लीज़ आप लोग मेरी हेल्प कर देना। और जो भी मेरी हेल्प कर देगा ना, वो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता देना कि मुझे क्या करना चाहिए और मुझे कैसे करना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं कल रात से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना मैं बता नहीं सकती। और उसके बाद ना, मतलब जब से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना, तब से मैंने मतलब खाने का मन भी नहीं करा। बड़ी मुश्किल से आज दिन में खाना खाया और थोड़ा सा वो रात को तो बिल्कुल भी नहीं खाई। मन ही नहीं कर रहा यार, जब होता ना, मतलब जब किसी के साथ ऐसा होता ना, तो मतलब बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। मेरे साथ ऐसे हुआ है कल रात से, और मेरा इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ ना क्या बता सकती हूँ मैं। लेकिन मैं आप लोगों से शेयर कर सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है। हुआ ये कि मेरे साथ क्या बोलूँ, मुझे दिमाग ख़राब हो रहा है उसकी बातें निकाल के, मेरा दिमाग उस चीज़ की याद निकाल के ना, मेरा दिमाग ना ज़्यादा ही क्या ही बोल सकती हूँ अब, मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ना क्या बोल सकते हैं, सर घूम रहा मेरा बहुत ही ज़्यादा उसकी याद निकाल के जब भी। लेकिन जब आपस में हम लोग दोस्तों के साथ कॉलेज में, अभी तक जैसे कॉलेज में थे, मतलब नॉर्मली थे, एकदम नॉर्मली टाइप की, मतलब सबके साथ ठीक ही थी। लेकिन जब मैं अकेले में रह रही ना, मुझे ऐसा हो रहा ना, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ा हेल्प मांग लूं, ताकि कोई मेरी हेल्प कर देगा या कर देगी। कोई भी हो, भाई बहन दोस्त, प्लीज़ मेरी हेल्प कर देना। आप लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुझे हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ ना कल रात से, और ऐसी हुआ कि कल मैं अपने फ़ोन से, मतलब फ़ोन की स्टोरी को ना खाली कर रही थी, ठीक है, और मेरे फ़ोन पर थे 800-900 फ़ोटोज़, और गलती से जो फ़ोटोज़ थे ना, वो फ़ोटोज़ एकदम से डिलीट हो गए। लेकिन मुझे नहीं पता था यार ये डिलीट होंगी। मैंने ना गलती से पता क्या किया, फाइल मैनेजर में गई और इंटरनल स्टोरी आती है, तो मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जितने भी फोल्डर थे, मुझे लगा ये फ़ोल्डर किसी काम की नहीं है, खाली फ़ोन में स्टोरी बढ़ाने के काम होंगे। तो मैंने ना वो सभी फ़ोल्डर, जितने फ़ोल्डर में वीडियोज़ फ़ोटोज़ सब थे ना, वो सब फ़ोल्डर डिलीट कर दिया है। लेकिन मुझे पता नहीं था कि इनके अंदर मेरी फ़ोटोज़ वीडियोज़ होगी। जैसे ही मैंने फ़ोटोज़ ओपन किया, देखा कि मतलब मेरी फ़ोटो रही या नहीं रही, तब तक देखा एक भी फ़ोटो वीडियो कुछ भी नहीं। और मैंने ना बैकअप भी नहीं ले रखा था उन फ़ोटो का और वीडियो का, और उसमें मेरे ना एक दो मतलब यूट्यूब पे डालने के लिए भी वीडियो भी थी, तो मैं वीडियो तो कोई बात नहीं बना लूँगी, ब्लॉग बना लूँगी, लेकिन वो फ़ोटो कहाँ से लाऊँगी वो दिन वो फ़ोटोज़ यार, मुझे कुछ समझ नहीं, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। मुझे ना वो फ़ोटोज से कम भी नहीं आया, 800 फ़ोटो थी मेरी, कम भी नहीं, 800 फ़ोटो थी उसमें, और मुझे ना वो 800 फ़ोटो चाहिए, प्लीज़ कोई मेरी हेल्प कर दो कि मुझे कैसी वापस मिलेगी वो फ़ोटो। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मतलब जीमेल से निकालो, लेकिन नहीं, मैंने बैकअप नहीं कर रखा था उनका, बैकअप नहीं ले रखा था, तो जीमेल में बिल्कुल भी सेफ नहीं है, वो जीमेल से नहीं आ सकती है। और वो ना मतलब मैंने इंटरनल स्टोरी से ना, मतलब परमानेंट डिलीट वाला ऑप्शन आया, तो मैंने वहीं से मतलब डिलीट कर दिया। मैंने कहा यार है इसका कुछ काम नहीं, तो मैंने परमानेंट डिलीट का ऑप्शन आया, मैंने उसको भी डिलीट कर दिया है। लेकिन कोई तो हेल्प कर दो। बाद में पता चला मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ कल रात से, नहीं भी तो मैं 10-12 ऐप डाउनलोड कर दिए होंगे प्ले स्टोर से, कि जिससे कि मुझे फ़ोटोज़ मिले, कोई फ़ोटोज़ तो आए, लेकिन एक भी ऐसा ऐप नहीं मिला अभी तक मुझे, जिससे कि मेरी वो परमानेंट डिलीट वाली फ़ोटो मुझे वापस मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। प्लीज़ अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने अपनी फ़ोटो, मतलब उन्हें उनकी फ़ोटो किसी ऐप के द्वारा वापस मिली है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस ऐप का लिंक भेज देना, और प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि मुझे क्या करना है। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ, मुझे वो फ़ोटो चाहिए तो चाहिए मेरी यार, मेरी 800 फ़ोटो थी, बहुत ही ज़्यादा कीमती थी मेरी वो फ़ोटो, इतनी ज़्यादा परेशान होने क्या बता सकती हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, प्लीज़ अगर किसी दीदी बहन
भाई, छोटा भाई या बड़ी बहन, किसी को भी अगर पता है कि वो मेरी परमानेंट डिलीट वाली फ़ोटो इंटरनेट से, मतलब फाइल मैनेजर से मैंने डिलीट करी है वो फ़ोटोज़, वहाँ से अगर वो फ़ोटोज़ मेरी डिलीट वाली फ़ोटो अगर वापस आ सकते हैं तो प्लीज़ मुझे बता देना। और मुझे फेसबुक पे भी अगर किसी दीदी या भाई या बहन को अगर पता है तो मुझे फेसबुक पे मैसेज में बता देना कि मुझे क्या करना चाहिए। और मुझे आप लोगों से हाथ जोड़ती हूँ कि मतलब जो मतलब जिस ऐप से वो फ़ोटो वापस आ सकती है उस ऐप की लिंक, उस ऐप का लिंक मुझे मतलब कमेंट बॉक्स में दे देना। और प्लीज़ या तो अगर कमेंट बॉक्स में नहीं दे पाएंगे आप लोग तो मुझे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे भेज देना। मेरी इंस्टाग्राम भी वही है जो यूट्यूब पे है आईडी, और फेसबुक पे तो आप लोग को पता ही होगा नेगीरी चाहिए है, उस पर भी वही है। तो प्लीज़ आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, मेरी हेल्प कर दो, बहुत ही ज़्यादा मुझे हेल्प की ज़रूरत है क्योंकि मेरी ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ यार, मैं बीच में गांव रही 1-2 महीने तो गांव की मैं बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोज़ थी, इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा यार, मतलब ऐसा हो रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसलिए दोस्तों आप लोगों से प्लीज़ हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मुझे वो फ़ोटो प्लीज़ वापस कैसी आएगी, आप लोग प्लीज़ आप लोग उससे हाथ जोड़ के कहती हूँ कि वो फ़ोटो वापस कैसी आएगी मुझे बता देना प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ प्लीज़। तो दोस्तों आप लोग देख सकते, मैंने फाइल मैनेजर को ओपन किया और फिर यहाँ पे इंटरनेट स्टोरी आई, यहाँ पे मैंने जितने भी ये फोल्डर देखे ये सभी फ़ोल्डर मेरे से डिलीट हो गई, परमानेंट डिलीट हो गए हैं। और इसके बाद आप लोग देख सकते हो फोटोज़ में बिल्कुल भी फोटोज़ नहीं, और ये सारी फ़ोटोज़ आज के देख सकते हो।